पाकिस्तान में हर चार में से एक शख्स जहनी मर्ज में मुब्तला है। आम अफराद की अक्सरियत इलाज कराने पर भी तैयार नहीं। कारवाने हयात के तहत आलमी जहनी सेहत के दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कामरान शेख रिपोर्ट करेंगे। जहनी अमराज और जहनी सेहत से आगही के लिए कारवाने हयात के तहत कराची में सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस साल का मौजू गैर मसावी दुनिया में जहनी कमजोरी रखा गया। एक तहकीक के मुताबिक डिप्रेशन की वजह से 130 खरब रुपए सालाना का नुकसान होता है, जबकि पाकिस्तान में 33% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों में 85% अफराद को इलाज तक रसाई हासिल नहीं। अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुआशरे में एक फाल किरदार अदा कर। इफ समबडी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू हिज फैमिली कम्युनिटी एंड कंट्री इज नॉट मेंटली हेल्थी। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मियां, प्रोफेसर मरियम हनीफ गाजी, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी, महनाज रहमान, फैसल मामसा, अदाकार अली खान, डॉक्टर करीम ख्वाजा ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब के अख्ताम पर कारवाने हयात के CEO जहीरुद्दीन बाबर ने शुरका में तहाइफ तकसीम किए।